बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एमएस डॉस में हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कोई ख़ास कमांड हमारे पास, जितने प्रोग्राम्स, जितने भी सॉफ्टवेयर्स, जितने भी एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में चलते हैं, हर एक एक स्पेसिफिक आईडी होती है। उस आईडी को कहते हैं प्रोसेस आईडी। जितने भी सर्विसेज चलते हैं, कभी आप इन्हें चेक कर ले, टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में आए, यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज होती हैं। तो हर सर्विस की अपनी एक आईडी होती है, जिसे पीआईडी कहते हैं या प्रोसेस आईडी कहते हैं। कभी कभार ये होता है कि आपके पास कोई एप्लीकेशन हो, वो आपके पास क्लोज ना हो, कोई इसमें से बग्स आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो आप यहाँ के फोर्सफुली या इन्हें यहाँ पर टर्मिनेट कर सकते हैं थ्रू सीएमडी, थ्रू डॉस। तो इन प्रोसेस आईडी को कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई एप्लीकेशन चलाते हो, उसी के साथ एक और एप्लीकेशन ओपन कर लेते हो, ये सेम कैसे चलती है, क्या इन दोनों की आईडी सेम होती है या चेंज होती है, इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले एमएस डॉस, बल्कि रन में आता हूँ, नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, साथ मैं वापस विंडोज़ आर रन डायलॉग बॉक्स में आता हूँ, एक और नोट पैड ओपन करता हूँ। दो मैंने नोट पैड यहाँ पर ओपन कर ली, और इसके बाद मैं यहाँ पे दो एमएस पेंट की एप्लीकेशन ओपन करना चाहता हूँ। मिनिमाइज़ कर लें, दो यहाँ पे एमएस पेंट, साथ ही मैं तीन यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, या दो कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। विंडोज डी से इन सबको मिनिमाइज़ करके डेस्कटॉप को शो कर लेता हूँ। आता हूँ रन में, सीएमडी टाइप कर लेता हूँ। सीएमडी में मैंने यहाँ पे चेक करने हैं, मेरे पास जितने भी प्रोसेसेस है इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे टास्क लिस्ट करते हैं। टास्क लिस्ट के थ्रू मेरे पास सारे जाके मेरे पास जितने भी एप्लीकेशन चले, जितने भी सर्विसेज हमारे विंडोज़ में चल रहे हैं, तमाम सर्विसेज हमें यहाँ पे शो करके दिखाने हैं। मैं कोशिश करते हैं स्पेस दे के स्लैश पी कर लेता हूँ, पी इसके ऊपर नहीं लिखती, डब्ल्यू विथ वाइस शो नहीं होती। तो मैं यहाँ पर टास्क लिस्ट कर लेता हूँ। अब इनमें से मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर देखे, यहाँ पे दो ओपन हो, बल्कि नोट पेज में अभी चेक कर लेता हूँ, मेरे पास दो नोट पेड ओपन है, दोनों की प्रोसेस आईडी चेंज आ रही नहीं आ रही, दोनों की मेरे पास प्रोसेस आईडी चेंज आ रही। एमएस पेंट जितनी भी आप कॉल होगी इसकी प्रोसेस आईडी चेंज आ रही। अगर प्रोसेस आईडी सेम हो तो फिर डबल ओपन नहीं हो सकता। जैसे आप एक ही फोल्डर के अंदर एक जगह पर, ठीक है, सेम नेम से दो फाइल नहीं बना सकते, दो फोल्डर नहीं बना सकते। बनाओगे तो कुछ चेंजिंग उसमें हमें करनी पड़ेगी, वरना दिन ये से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अभी देखते हैं इसको, इसके प्रोसेस को हम लोगों ने स्टॉप करनी हो, किल करनी हो, अगर ये एप्लीकेशन हमारे पास कोई इसमें बग्स आ जाए, कोई एरर आ जाए, ठीक है, कुछ स्क्रिप्ट इसमें से अभी चले या क्लोज ना हो सके, ये इसको डिसेबल करना है, इसको स्टॉप करना है इसकी सर्विस को, तो कैसे कर देते हैं। ऐसे हम लोग एन टास्क करते हैं, यहाँ पे थे राइट क्लिक, टास्क मैनेजर, जो भी सर्विस हो इसको मैंने स्टॉप करनी, तो राइट क्लिक करके एन टास्क कर लेता हूँ। एक नोट पैड मेरे पास क्लोज हो गई ऐसे। अब इसी नोट पैड को वापस मैं रन कर लेता हूँ, इसे पे टास्क लिस्ट, आप फिर वो प्रेस करें, टास्क लिस्ट इंटर कर लें। अब मेरे पास एक ही नोट पैड है, अगर मैं यहाँ पे कोई और नोट पैड साथ ओपन कर लूँ, यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं इन्हें, यहाँ पे टास्क लिस्ट, अब मेरे पास दो नोट पैड ओपन हो गए, कितने, दो नोट पेड, एक यहाँ पे, एक नोट पेड लास्ट में आ रही है यहाँ पे। अब इन्हें स्टॉप करने के लिए करते क्या, मैं यहाँ पे टास्क लिस्ट, बल्कि टास्क किल कर लेता हूँ। टास्क किल नॉर्मल मैंने करने के, यहाँ पे प्रोसेस आईडी देनी है, पी आईडी मींस प्रोसेस आईडी देनी है। इस नोट पेड के मेरे पास प्रोसेस आईडी क्या है, 6040 6040, जस्ट इन्हें यहाँ पे इंटर कर लें। एक मेरे पास क्लोज हो गई, वापस यहाँ पे टास्क लिस्ट चेक कर लें, यहाँ पे एक मेरे पास यहाँ पे क्लोज होगी। अब सेकेंड वन को मैंने क्लोज करनी है, सेकेंड वन मेरे पास क्लोज नहीं हो रही, कोई इशू आ रहा है इसमें, तो मैं करता हूँ यहाँ पे टास्क लिस्ट, टास्क लिस्ट कर लेता हूँ, स्लैश पी आई डी प्रोसेस आई डी देता हूँ, और कौन सी मेरे पास 6004 6004 मेरे पास आ रही, तो मैं इसको स्लैश एफ कर लेता हूँ, फोर्सफुली से जाके यहाँ पे क्लोज कर लें। सॉरी सॉरी सॉरी, टास्क लिस्ट नहीं लिखना चाहिए था मुझे,
टास्क क्यों लिखना चाहिए था। अब मैं इसे फोर्सफुली यहाँ पे कैसे स्टॉप करना चाहता हूँ, क्लोज करना चाहता हूँ, डिसेबल करना चाहता हूँ, एंटर करें इसे यहाँ पे। वो नोटपैड भी हमारे पास क्लोज हो गया, यहाँ पे टास्क की टास्क लिस्ट कर ले। अगर के पास सेम हुई नोटपैड, इसी नोटपैड के ऊपर एक थर्ड कमांड भी देख लिया यहाँ पे, ठीक है। थर्ड कमांड क्या है के पास, बल्कि नोटपैड के ऊपर नहीं करना चाहते, जाके एम एस पेंट के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर आजमाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे टास्क किल, आई यहाँ पे स्लैश पी आई डी प्रोसेस आई डी, प्रोसेस आई डी कौन सी देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास है 45 और 56, फोर डबल फाइव सिक्स। और यहाँ पे मैं इसे करता हूँ कि साहब जाके टर्मिनेट कर ले, क्या करें, टर्मिनेट कर ले, टर्मिनेट आप कर सकते हैं यहाँ से। एक आपके पास क्लोज हुआ, अब दूसरा मेरे पास कौन सा आ रहा है यहाँ पे, दो आ रहे थे 16:40, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ यहाँ पे 16:40, एंटर कर लें। अब एम एस पेंट मेरे पास इस तरह से क्लोज हो गई। अब अगर मैं कैलकुलेटर को इसी तरह से क्लोज करना चाहता हूँ, कैलकुलेटर को मैं इसी तरह से क्लोज करना चाहता हूँ, तो इसमें से मैं कुछ और ये भी कर सकता हूँ, प्रोसेस आई डी यहाँ से चेंज करके, प्रोसेस आई डी इसकी क्या है यहाँ पे आ रही है मेरे पास 4344। और यहाँ से भी मैं फोर्सफुली कर सकता हूँ, फोर्सफुली स्पेस दे करके, एंटर कर लें। आप कैलकुलेटर को यहाँ से बंद कर सकते हैं, सेकेंड के 59.6, ये देख रहे हैं आप 59.6। तो मैं अभी कर लेता हूँ 5096। मेरे पास क्या हो, टास्क किल हो, फोर्सफुली भी हो, प्रोसेस आई डी ये हो, तो यहाँ से क्या कर ले, स्लैश डी टर्मिनेट भी कर ले। वो एप्लीकेशन जो बिल्कुल वहाँ पे क्लोज ना होता हो, डिसेबल ना होता हो, ठीक है, उसकी सर्विसेज इंटरनली जाके चल रही हो, तो आप यहाँ से ना स्टॉप कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। अब इसके बाद सेम मैंने कुछ एप्लीकेशन ओपन कर लिए, नोट पेड कर ली, ठीक, एम एस पेंट कर ली यहाँ पे, ये दो सेम मेरे यहाँ पे। अब वापस मैं आता हूँ यहाँ पे टास्क लिस्ट, टास्क यहाँ पे कर लेता हूँ, तो मेरे पास नोटपैड ये आ रही है, और सेकंड क्या थी, एम एस पेंट, एम एस पेंट कहाँ पे, यहाँ पे आ रही, तो ये मेरे पास आ रही नोटपैड। तो इसमें मैंने करना यूँ है कि टास्क किल, टास्क किल करनी है। अब इसको मैं स्लैश आई एम कर लेता हूँ, आई एम इमेज नेम, इमेज नेम के क्या थी मेरे पास, नोटपैड, क्या थी, नोटपैड, नोटपैड को मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, सॉरी क्या लिखी मैंने, टास्क किल, सॉरी डॉट exe टाइप कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एग्जीक्यूशन की जगह फाइल है, तो इन्हें एंटर कर ले, नोटपैड यहाँ से क्लोज हो गया। अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि मेरे पास टास्क किल स्लैश आई एम एम एस पेंट करना चाहता हूँ, तो डॉट exe कर ले, इसको स्लैश टी टर्मिनेट करना चाहता हूँ, तो आप इसे भी यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हो। अब साथ ही में वापस नोट पे एम एस पेंट और जाके यहाँ पे विन वर्ड ओपन कर लेता हूँ, ठीक। अब इन्हें क्लोज करते हैं यहाँ पे, इन्हें स्टॉप करते हैं, तो करते यूँ है कि यहाँ पे मैंने टाइप करनी है टास्क किल स्लैश आई एम, कौन से पहले तो मैं चेक तो कर लूँ, टास्क लिस्ट, टास्क मेरे पास विन वर्ड आ रही है, एम एस पेंट आ रही है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ टास्क किल, क्या करता हूँ, स्लैश आई एम इमेज नेम विन वर्ड कर लेता हूँ, विन वर्ड डॉट ई एक्जी, और यहाँ पे स्लैश ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप स्लैश एफ भी जाके लगा सकते हो, एंटर कर ले, एपिसोड क्लोज हो गई। अब पेंट यहाँ पे आ रही है मेरे पास, तो आप पेंट को भी यहाँ पे लगा सकते हो, जस्ट इन्हें चेंज करके एम एस पेंट कर सकते हो, एम एस पेंट कर सकते हो। डॉस की अपने को जाके क्लोज करना है, तो डॉस की मेरे पास क्या आ रही है 4032 सी एम डी, तो सी एम डी की जो स्टॉप करनी हो, टास्क किल यहाँ पे स्लैश प्रोसेस आई डी के थ्रू करना चाहते हो, या इमेज नेम के थ्रू करना चाहते हो, मर्जी आपकी है,
cmd कर ले, डॉट exe कर ले, जस्ट एंटर करें यहाँ पे, ठीक। तो आप इस तरह से जाके तमाम प्रोसेसेस को आप स्टॉप कर सकते हो, एंड टास्क कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, ठीक है, इसे क्लोज कर सकते हो, इन्हें टर्मिनेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास आपके हार्डवेयर में बेहतरीन टूल है आपके पास वहाँ पे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।